गाइस तो अब वो टाइम आ गया है कि हम देखें कि डिफरेंट टाइप की स्कीम्स होती क्या है देखो स्कीम कौन लेकर आता है तो याद रखना एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्कीम लेकर आती है एंड इट्स लाइक देयर वे ऑफ सेइंग कि हे इन्वेस्टर्स इफ यू गिव अस द मनी वी आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग इन दीज प्लेसेस तो उसको बोला जाता है स्कीम हमने इस बहुत डिटेल में इसको पहले ही देख लिया था आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट नाउ बट टाइप ऑफ स्कीम्स क्या होती है देखो अगेन हम अपनी एक्सेस वाली वेबसाइट के ऊपर जाके देखते हैं कि कितनी सारी डिफरेंट टाइप की स्कीम्स हैं इक्विटी स्कीम्स डेट स्कीम्स हाइब्रिड स्कीम्स इंडेक्स फंड स्कीम्स और इसमें भी आप नाम देखिए एक्सिस बैंक मल्टी कैप फंड एक्सिस बैंक स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ऑपरचुनिटीज़ बराबर ऐसी बहुत सारी यहाँ पर हमारे जितनी भी स्कीम्स थी आवर स्कीम्स में जाकर हम सारी स्कीम्स देखते हैं मल्टी कैप स्मॉल कैप ग्रोथ ऑपरचुनिटीज़ क्वांट फंड शॉर्ट टर्म फंड स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड आर्बिट्राज फंड आर्बिट्राज नाम याद रखेंगे कॉर्पोरेट डेट फंड डेट फंड नाम याद रखेंगे निफ्टी हंड्रेड इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड का नाम याद रखेंगे बराबर एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड मिड कैप फंड फोकस ट्वेंटी फाइव फंड गोल्ड फंड ई एल एस एस टैक्स सेवर ब्लू चिप फंड बिजनेस साइकिल फंड लिक्विड फंड मनी मार्केट फंड बराबर ऐसे कितने सारे अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल्वर फंड ओवर नाइट फंड बराबर वन नाइट स्टैंड सुना था ओवरनाइट भी आ गया यहाँ पर फ्लोटर फंड ये सारे की सारी आप देखिए अलग अलग नाम से कितने रिटायरमेंट सेविंग्स फंड तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्कीम होती है बहुत सारी डिफरेंट टाइप की स्कीम्स होती हैं हमारी बुक के अंदर कुछ स्कीम्स कवर्ड हैं और यही हम कवर करेंगे आप लोगों के साथ भी बट द अदर जो स्कीम्स अगर आप में इंटरेस्ट है तो यू कैन डेफिनेटली गो टू एनी काइंड ऑफ दिस म्यूचुअल फंड वेबसाइट और वहां पर आप ये देख सकते हैं तो सबसे पहले अपन आते हैं टाइप ऑफ स्कीम्स में सबसे पहली जो स्कीम होती है वो होते हैं बैलेंस्ड फंड्स जो बैलेंस्ड फंड्स होते हैं इसका क्या मतलब होता है बैलेंस फंड ऐसे फंड है जो डेट में भी पैसा लगाएंगे और इक्विटी में भी पैसा लगाएंगे यानी कि जब आप एज एन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड को पैसा दोगे तो म्यूचुअल फंड का पर्पज़ ये नहीं है कि वो खाली इक्विटी में लगाए या खाली डेट में लगाए उसका यह पर्पज़ है कि यार मैं ना दोनों में लगाऊंगा क्योंकि देखो डेट के अपने फ़ायदे हैं इक्विटी के अपने फायदे हैं है। ग्रो करेगा तब इक्विटी सुपर स्पीड पे ग्रो करेगा पर लॉस करेगा तब इक्विटी भी लॉस ही करवाएगा डेट फंड्स जो होते हैं उसमें इतना तो शोर होता है कि आपको रिटर्न मिलना 90 परसेंट नक्की है बराबर नाइनटी परसेंट आपको नक्की अगर आप ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स के अंदर पैसा डालोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द मनी और वहां पर बस रिटर्न का जो परसेंटेज है वो कम है तो एवरीबडी वांट्स टू मेक अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और इसीलिए बैलेंस फंड निकल कर आते हैं अच्छा बैलेंस फंड के बाद आप देखिए यहां पर नाम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड सबसे पहले नाम में एक बात समझना है कि ये इक्विटी फंड पर इक्विटी के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन करावा पैसा सिर्फ इक्विटी में जाता है पर इक्विटी में भी क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन होता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सी कैप फंड फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब क्या होता है कि जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना उसको ये फ्लेक्सीबिलिटी होनी चाहिए जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब भी उसको पैसा लार्ज कैप में डालना है वो डाल सकती है उसको पैसा मिड कैप में डालना है वो डाल सकती है उसको पैसा स्मॉल कैप में डालना है डाल सकती है लार्ज कैप का जो पोर्टफोलियो का परसेंटेज और वेटेज रखना रख सकती है मिड कैप का रख सकती है स्मॉल कैप का रख सकती है चेंज कर सकती है कभी स्मॉल कैप कैसे पैसे निकालकर मिड कैप में डाल दिया तो फ्लेक्सी कैप मतलब कि लार्ज मीडियम एंड स्मॉल ये तीन टाइप की कैप होती है इंडिया के अंदर फ्लेक्सी कैप मतलब द एसेट मैनेजमेंट कंपनी फ्लेक्सीबिलिटी कि कैसे वो कौन से वेटेज के अंदर पैसे लार्ज में रखे मीडियम में रखे या स्मॉल में रखे एंड दैट इज फ्लेक्सी कैप फंड बराबर फ्लेक्सी कैप फंड में रिटर्न मिलने का चांस थोड़ा ज्यादा हायर होता है और फ्लेक्सी कैप फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं ना वो भी बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं कि अभी कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो कहां मैं अपना पैसा थोड़ा सा यहाँ डाइवर्ट कर दूँ लार्ज से मीडियम में कर दूँ मीडियम से स्मॉल में कर दूं अब थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट डूबने वाला है या बेरिश मार्केट आने वाला है तो स्मॉल से सारा सारा पैसा मैं फ्लेक्सी करके किस में डाल दूँ लार्ज में डाल दूँ ताकि वहां पर कम गिरावट दिखती है हमारे को नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टी कैप फंड देखो फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में ज्यादा फर्क नहीं भी ही होता है और मल्टी कैप फंड भी मल्टी कैप होता है पर फर्क रहता है कि फ्लेक्सिबल कैप में जो लार्ज कैप है मीडियम कैप है और स्मॉल कैप है इसके परसेंटेज यानी कि वेटेज नक्की नहीं होते हैं वेरी होते रहते हैं इसलिए उसको फ्लेक्सी बोला गया है मल्टी कैप फंड के अंदर क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसको बोल देना पड़ता है स्टार्टिंग में लगाऊंगा लगा। लगा। इसके अंदर तो प्ले कर सकता है पर इसके ऊपर नहीं जा सकता यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि लार्ज कैप के अंदर 25 परसेंट में मान लीजिए उसने तीन कंपनी में लगाया दस कंपनी में मिलकर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ दी पैसा लगाए वो अलाउड है पर लार्ज कैप में टोटल पैसा यानी कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का 25 परसेंट से ज्यादा लार्ज कैप में नहीं लग जाना चाहिए अंदर आप कैसे भी प्ले करो जब तक 25 है अंदर आपको तीन शेयर लेने लार्ज कैप के दस शेयर लेने पंद्रह शेयर लेने आपके ऊपर पर टोटल अगर हम लोगों ने सबने मिलकर तुमको तो पंद्रह करोड़ रुपए दिए हैं तो पंद्रह करोड़ रुपए का पच्चीस से ज्यादा कभी भी लार्ज कैप में नहीं हो सकता तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी कैप फंड जहां हर कैप का परसेंटेज नक्की है फ्लेक्सी कैप फंड जो मल्टी कैप फंड के जैसा ही होता है पर हर कैप का परसेंटेज नक्की नहीं होता नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रा फंड कॉन्ट्रा फंड है मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉन्ट्रा फंड ऐसे फंड हैं या ऐसे फंड मैनेजर्स हैं जो फाइंड करते हैं कि हाल फिलहाल हाल फिलहाल मार्केट को देखकर कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अंडर परफॉर्म करा है कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अंडर परफॉर्म करा है और उसमें पोटेंशियल है बूम करने का बराबर तो वो पूरी कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट सम सेक्टर जो अभी वीक है जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है जो कमिंग टाइम में बूम कर सकता है और ऐसे टाइप के लोगों के अंदर ही वो इन्वेस्ट करता है यानी कि वो जब भी इन्वेस्ट करेगा हम म्यूचुअल फंड को पैसा देंगे म्यूचुअल फंड जब आगे पैसा लगाएगा तो वो कहाँ लगा रहा है ऐसी कंपनीज में लगा रही है जो अभी की अभी अंडर परफॉर्म कर रही है पर पोटेंशियल है बूम करने का तो ऐसे टाइप के फंड्स को क्या बोलता है ऐसे टाइप के फंड्स को बोलते हैं अपन कॉन्ट्रा अब कॉन्ट्रा फंड्स के बाद आता है नेक्स्ट इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड के ऊपर अपन ने ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर लिया था तो मैं अभी वापस नहीं करूंगा डिविडेंट इनफंड नाम से ही समझ में आ रहा है आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से क्या मिल रहा है मस्त डिविडेंड मिल रहा है या डिविडेंड मेन है मिलने का इसको क्या बोला जाता है डिविडेंड फंड अब डिविडेंड इंड फंड में भी ना दो टाइप के होते हैं जब डिविडेंड आपको मिला तब उस डिविडेंड का क्या कर रहे हो आप पे आउट ले ले रहे हो या वो जो डिविडेंड आपको मिल रहा है उसको आप री इन्वेस्ट कर रहे हो इसके बेसिस पे काफी सारे सम्स हैं हमारी मॉड्यूल के अंदर री इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी सारे सम्स हमारे मॉड्यूल के ऊपर पेमेंट ले लेने के ऊपर भी काफी सारे सम्स हमारे मॉड्यूल के अंदर तो दिस इज कॉल्ड एज डिडेंट ईल्ड फंड अच्छा नेक्स्ट जो तो हमारे टाइप की स्कीम आती है इसका नाम है ई एल एस एस एंड इफ यू रिमेंबर हम जब एक्सिस की वेबसाइट के ऊपर भी थे ना तो ई एल एस एस करके हमने पढ़ा था और ई एल एस एस वाला जो फंड आता है इसके बाजू में देखो नाम क्या लिखा है ई एल एस एस टैक्स सेवर फंड बेसिकली ई एल एस एस क्या होता है मैं आपको अगेन बता देता हूँ ई एल एस एस टैक्स सेवर फंड ही होते हैं बराबर देखो म्यूचुअल फंड जिस दिन आप म्यूचुअल फंड बेचोगे उस दिन वो कैपिटल गेन लगता है और उसके ऊपर क्या लगेगा टैक्सेशन लगेगा तो जब आप म्यूचुअल फंड बेच रहे हो आपको टैक्सेशन लगेगा एल आपको लगना है बराबर या एस आपको लगना है डिपेंड कर रहा है कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है टैक्सेशन आप जानते हैं ई एल एस ऐसे फंड्स हैं जब आप उनको बेचोगे तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है बराबर ई ऐसे फंड्स है जब आप उनको बेचते हो तो उनके ऊपर

जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल में करना चाहिए और पॉल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में काफ़ी चल रहा है तो एक ऐसी थीम बन सकती है जिसमें आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इन्वेस्ट करोगे आप ईवी ऑटो सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट करोगे आप रिसाइकल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो ये क्या हो जाता है बॉस ये हो जाते हैं थीमेटिक फंड्स की एक थीम पकड़ ली कि इंडिया में अभी ये थीम बहुत चल रही बराबर तो इस थीम के रिलेटेड जितने सेक्टर्स हैं उन सारे सेक्टर्स में मैं पैसा डाल दूंगा तो सेक्टर फंड्स के अंदर एक सेक्टर होता है थीमेटिक फंड्स में एक थीम होती है जो पर्टिकुलरली एक दो तीन चार कितने भी सेक्टर उसके अंदर लगने चाहिए पर एक थीम होती है

यानी आप यहां पर पैसा जब भी निकालोगे डालोगे जब भी निकालोगे लिक्विडिटी काफ़ी है मार्केट के अंदर पैसा डालना भी ईजी है और पैसा यहां से निकालना भी बहुत ईजी है क्यों क्योंकि लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर एनी टाइम लिक्विडिटी का मीनिंग अगर आप नहीं समझते हो क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट से अभी थोड़े से दूर हो तो मैं आपको ये समझाता हूँ लिक्विडिटी का मतलब यह है कि जब भी मैं खरीदने के लिए गया तो मुझे सामने बहुत सारे सेलर्स मिले बैठे हुए जो बेचने में इंटरेस्टेड थे और जब भी मैं बेचने के लिए गया तो सामने मेरे को बहुत सारे बायर्स खड़े हुए मिले जो बाइंग के लिए रियली really इंटरेस्टेड थे तो इसको बोलते हैं liquidity. समझो market में कई बार ऐसे होते हैं। मैं आपको था हूं, मैं आपको बताता एक ऑप्शन ऐसा बाय कर लिया जिसमें लिक्विडिटी नहीं थी सेल करने की कोशिश कर रहा हूं वो ऑप्शन पर सामने मेरे को बायर ही नहीं मिल रहा बराबर कोई खरीदने को रेडी नहीं है वो चीज तो जब वो कोई खरीदने को रेडी नहीं है तो मेरा क्या होता जा रहा है उसकी प्राइस कम होते जा रही है और मेरा लॉस बढ़ते जा रहा है उस दिन से मैं एक चीज समझ थी कि बॉस कभी भी अगर आप ऑप्शन हो तो ऐसी ही एरिया के अंदर डील करना है जहां लिक्विडिटी हाई हो बराबर तो लिक्विडिटी का ये पॉइंट होता है आर्बिट्राज फंड बेसिकली क्या होता है सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं आपको अपना पैसा पार्क करना है थोड़े दिन के लिए आपका जो कैपिटल है वो सही सलामत थोड़े दिन के लिए रखना है परसेंटेज ऑफ एप्रिसिएशन थोड़ा कम भी हो जाएगा चलेगा पर कैपिटल नहीं टूटना चाहिए तो आप आर्बिट्राज फंड सकते हो ये शॉर्ट टर्म है इसमें कैपिटल का प्रोटेक्शन होता है और रिटर्न है ऑब्वियसली क्योंकि देखो कुछ ना कुछ एडवांटेज है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी आएगा भाई कैपिटल की एश्योरिटी है उसका मतलब क्या है ये लोग लो रिस्क जगह में पैसा लगा रहे लो रिस्क जगह के अंदर अगर ये लोग पैसा लगाएंगे तो रिटर्न भी क्या आने वाला है लेसी आने वाला है ये बात तो हम फाइनल में आके जानते ही हैं कि जितना ज्यादा रिस्क हम उठाने के लिए रेडी हैं उतना ज्यादा ही हमारा रिटर्न का पोटेंशियल बनता है बराबर अच्छा नेक्स्ट आता है हमारे पास हेज फंड्स देखो मैं आपको बोलता हूं कि फाइनेंस की दुनिया के जो सबसे स्मार्टेस्ट लोग हैं ना ध्यान रखना फाइनेंस की दुनिया के जो सबसे स्मार्टेस्ट लोग हैं ना वो यहाँ जॉब करते हैं हेज फंड्स के अंदर बराबर आपकी भी फैमिली में कोई तो ऐसा होगा ही ताऊ का बेटा चाचा का बेटा मामा का बेटा जो पढ़ाई में बचपन से बहुत होशियार था अपने माँ बाप अपने को उससे कंपेयर करते रहते थे और बोलते थे देख उसका तो ऐसा हो गया ना वैसा हो गया उसने इंजीनियरिंग भी कर ली और उसके बाद उसने आई भी क्रैक कर लिया ना एग्ज़ाम भी दे दी कैट क्लियर मस्त करके आई में बैठा है और आई में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ कर लिख कर आगे आज सिंगापुर के अंदर कहाँ काम कर रहा है एक हेज फंड कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो जो फाइनेंस की दुनिया के जो सबसे स्मार्टेस्ट लोग होते हैं ना सी ए कर रहा था मेरे से जूनियर था ऑल इंडिया सेकेंड रैंकेशन मेरे रैंक मिलती थी तो ऑल इंडिया सेकंड फाउंडेशन ऑल इंडिया सिंगल ही रैंक थी या नाइन थी एट सी इंटरमीडिएट फिर उसने कैट दिया कैट देकर आई आई एम अहमदाबाद में सिलेक्ट हुआ गाइज वो और आई आई अहमदाबाद में भी फोड़ रहा था बंदा मतलब आप समझ सकते हो ना कि वर्ल्ड का जो क्रीमेस्ट ऑफ ब्रेन बैठा है उसमें भी वो बंदा फोड़ रहा था पूरा company, और उसका स्टार्टिंग पैकेज एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री वॉट एवर यू कंसिडर इट वॉज वन सी आर वन सी आर गाइज स्टार्टिंग पैकेज

फिर आता है हमारे पास कैश फंड्स कैश फंड्स अगेन ऐसी जगह पर ये पैसा लगाते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली ये लोग पैसा लगाते हैं जो बहुत ही लिक्विड है पैसा की कैपिटल सेफ है एकदम वहां पर ये लोग लगाते हैं अच्छा नेक्स्ट ईटीएफ पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ क्या हुआ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आपको याद है जब मैंने आपको क्लोज एंडेड फंड्स बताए थे तो आ जाते इनके पास एक ऑप्शन है कि ये अपने आप को लिस्ट करवा सकते हैं लिस्ट करवाएंगे तो क्या होगा किसी ने किसी सिक्योरिटी एक्सचेंज पे लिस्ट करवाएंगे ना तो वो क्या बन जाते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऐसे म्यूचुअल फंड एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे या होते हैं।, बराबर index, या होते हैं और यहां पर आप समझ सकते हो कि इनका मार्केट प्राइस कैन और कैन नॉट बी इक्वल टू इन फंड एन एव तो यह क्या होता है ETFs, मैं आपको बताता हूं जब भी मेरे को ऐसा लगता है ना कि मार्केट थोड़ा अनसर्टन है मैं अपना जितना पैसा होता है ना वो उठाकर ईटीएफ इंडेक्स के ईटीएफ के अंदर डाल देता हूं क्यों क्योंकि मुझे पता है कि भाई निफ्टी आज नहीं कल ऊपर जाने वाला है तो मैं किसी चार स्टॉक में रह जाऊं पांच स्टॉक में रह जाऊं जो एक बार नीचे गिरे और ऊपर आने में बहुत टाइम लगा है उससे तो बेटर है कि निफ्टी में रहो कि वो तुरा नीचे जाता है तो जल्दी बाउंस भी दे देता है अपने को हाँ ऑब्वियसली आप कोई स्पेसिफिक स्टॉक में लगाओगे तो चांस कि आपका पैसा में थोड़ा सा जरूर होता है। काफी लोगों की लाइफ का बेंचमार्क क्या पता है इन्वेस्टमेंट का बेंच मार्क ही है कि क्या मैं इंडेक्स से तेज पैसा कमा पा रहा हूं कि नहीं अगर इंडेक्स का सी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इंडेक्स का सत्रह से अठारह परसेंट है तो क्या मेरा कैगार सत्रह से अठारह परसेंट से ऊपर है कि नहीं लोगों का बेंच मार्क ही है आप भी जब इन्वेस्ट करोगे ना तो आपका भी बेंच मार्क ही यही है और अगर आप ये नहीं बीट कर पा रहे हो तो भाई समझ जाओ कुछ तो अपने तारे सितारे गलत हैं अपने को स्टॉक पिक करना नहीं आता इससे अच्छा तो इंडेक्स सिलेक्ट कर लेना इससे अच्छा तो इंडेक्स फंड में पैसा डाल दे उधर सर को सत्रह से अठारह परसेंट सी मिलेगा विच इज मोर देन इनफ अंडरस्टैंड जो ये पूरा इन्वेस्टमेंट का खेल है ना जो ये पूरा इन्वेस्टमेंट का खेल है ना ये मैं आपको बोलू टाइम होराइजन का खेल है अगर आपने इन्वेस्टमेंट जल्दी टाइम पर लाइफ में चालू कर दिया यानी कि एट द एज ऑफ अगर आपने इस एज के ऊपर इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया चलो तो बहुत बहुत तो पच्चीस तक पच्चीस तक भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया ना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ वॉट अमाउंट यू इन्वेस्ट मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ एट द एज ऑफ फिफ्टी

तो मैं 2011 के अंदर मेरा सीए फाइनल था तब मैं एसएफएम जब पढ़ता था ना तो मेरे दिमाग में मस्त क्वेश्चन आया था और वो ये क्वेश्चन था कि यार क्या मैं इंडिया के अंदर बैठे बैठे यूएसए की कोई सिक्योरिटी बाय कर सकता हूँ और इसका एकदम बहुत स्पेसिफ़िक पर्पज़ बताता हूँ कि टू में मैं टू में मैं बेसिकली यू गया था मेरे अंकल वहाँ रहते हैं और टू में मैं वहाँ से आईफोन लेकर आया था 2011 में आपके पास आईफोन है तो बिग डील था बराबर बहुत कम तब था और खास करके मैं सूरत में रहता था, था यार इट्स अ सेकेंड ईयर सिटी बॉम्बे वगैरह में तो फिर भी होता होगा बॉम्बे डेली पुणे वगैरह में बट uh, मेरे साइड तो नहीं था सूरत में बहुत कम लोगों के पास आईफोन होगा बहुत ही कम लोगों के पास तो आई हैड एन आईफोन एंड सिंस देन मुझे एप्पल कंपनी पर अलग ही प्यार था खास करके स्टीव जॉब्स की मार्केटिंग ट्रिक्स के ऊपर मुझे एक अलग ही प्यार था तो मेरे को सिर्फ यही करना था कि यार क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इंडिया में बैठे बैठे यूएसए की एप्पल कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दूं जो पैसे मेरे को इन्वेस्ट करने क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं मैंने काफी पढ़ा फेमा वगैरह भी थोड़ा पढ़ा काफी पढ़ने के बाद मेरे को पता चला चलास दिस इज पॉसिबल और मेरे को उसको करने का तरीका भी मिला अब मैं आपको बताता हूं सिर्फ आप लोगों का एक क्लासवर्क है और वो क्लासवर्क ये है कि 2011 में एप्पल कंपनी का जो शेयर का प्राइस है ना आप उसको एक बार देख लीजिए और अभी 2024 चल रहा है नॉट बहुत बड़ा ड्यूरेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ माय लाइफ बराबर कि अगर मैं अपनी लाइफ को एवरेजली 80 इयर्स भी मानूं या चलो स भी मानू तो दिस ड्यूरेशन इज नॉट दैट बिग इन टर्म्स ऑफ माई लाइफ ड्यूरेशन बट आप ये प्राइस का हाइक देख लेना कि आज 2024 में 2025 में 2025 जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आप इस प्राइस को देखो और 2011 की प्राइस के साथ कंपेयर करो एंड यू विल सी द डिफरेंस एंड दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बराबर कि हाउ इन्वेस्टमेंट में होराइजन ऑफ टाइम मैटर्स वेरी मच अगर आप 20-25 साल इन्वेस्टेड रह गए सही जगह पर तो मुझे नहीं लगता कि आपकी चार से पांच अगली जनरेशन को मेहनत करने की जरूरत भी है एंड दैट इज द मैजिकल प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट लास्ट जो हमारी किताबों के अंदर लिखा है दैट इज फिक्स्ड फिक्स्ड मतलब कि हम जब भी म्यूचुअल फंड को पैसा देंगे उनकी स्कीम में ऐसा लिखा है कि वो सिर्फ ऐसी जगह पैसा लगाएंगे जिस इंस्ट्रूमेंट्स की मेच्योरिटी है और फिक्स्ड है यानी कि प्रोबली डेट में या प्रोबेबली एफडी के अंदर भी लगा सकते हैं जहां पर वो थ्री इयर्स की एफडी, डी फाइव इयर्स का ट्रेजरी बिल इन सब के अंदर वो पैसा लगाएं बराबर तो वो ऐसी जगह पर पैसा लगा रहे हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसा लगा रहे हैं जिनमें एक कंसेप्ट है मेचोरिटी का और फिक्सड रिटर्न का इसलिए फिक्स्ड मेचोरिटी प्लान सो इथ दिस गाइज हमने सारी टाइप की स्कीम्स देखी कभी भी अगर आपका मन करे रिसर्च करने का और पॉइंट कर रहा हो तो आप डेफिनेटली इन तरीके की वेबसाइट्स के ऊपर जाकर इनकी जो स्कीम्स है वो स्कीम्स वगैरह देखकर पढ़ लिख कर समझ सकते हो इनके बारे में दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाइज आई रियली विश यू की आप जाइए देखिए ये आर्बिट्राज फंड के बारे में बात कर रहा था तो और तब मैंने आपको बताया कि इनमें रिटर्न थोड़ा कम होता है तो देखिये इनका सीएचीआर कितना निकल कर आ रहा है सिक्स पॉइंट फाइव वन परसेंट निकल कर रहा है रिटर्न कम है पर कैपिटल की सेफ्टी की अश्योरिटी ज्यादा है सो विद गाइज आई होप मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से जो थियोरटिकल पार्ट है काफी हद तक हमारी बुक का थियोरटिकल पार्ट कवर हो गया एंड दिस इज प्रॉबेबली द लास्ट आउट एंड आउट थियोरटिकल पार्ट वीडियो डेवलप बाई मी फॉर दिस चैप्टर अब अपन क्या करने वाले नेक्स्ट वीडियो से अपन प्रैक्टिकल्स को टच करने वाले नेक्स्ट वीडियो से अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले आई एम गोड बी सॉल्विंग एवरीथिंग जो आपकी बुक के अंदर है ऑल द क्वेश्चन स्टेट्यूड